खुर्शीद अनवर से मेरा कोई बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था, पर ज़िंदगी में ऐसा कभी कभी होता है कि बहुत थोड़ा वक्त का परिचय का वो आपको ऐसे रिश्तों में बांध लेता है जो आप समझते हैं कि वो जीवन भर का रिश्ता बन गया। लेकिन मुझको नहीं पता था कि ये बदनसीबी इस तरह की होगी, जिसको मैं जीवन भर का रिश्ता मानता था उसका जीवन इतना छोटा होगा। बदनसीबी मैंने इसलिए कहा कि मेरे साथ में वो रिश्ता निभने लायक नहीं रहा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। और बदनसीबी दूसरे मायनों में ये भी कि जिस तरह से सारी चीज़ें सामने आई और मेरी अपनी बिरादरी, जिसको मैं डिपेंड करने नहीं आया हूँ, और ना मेरे ख्याल में हम लोग जो है वो पूरे मीडिया को या टारगेट करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर इकट्ठा हुए हैं तो उस शख्सियत को जिसको मैंने इतना करीब से, चाहे थोड़ा वक्त पा रहा लेकिन बहुत करीब से देखा, बहुत नेक इंसान के रूप में मैंने पहचाना, संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के जो फिरका परस्त हैं उससे जूझने वाले के रूप में पहचाना। देखें उसमें व्हाट्सएप में अभी भी वो संदेश मौजूद है जिसमें शाम को किसी जिया चैनल, मैंने वो चैनल कभी देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उसके हवाले से कहा कि इस पर कुछ आ रहा है, क्योंकि पहले भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं लड़ूंगा। किस चीज़ ने उनको इतना मजबूर किया कि वो इतना एक्सट्रीम कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए? और हम सब लोग जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। एक तो मीडिया है, दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि उनके साथ कुछ उनके ही दोस्तों ने, तो उनको अगर आप दोस्त कहें, लोगों के बर्ताव से भी वो आहत थे, इसलिए उस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि एक आदमी जो अपने आप को लेफ्ट का कहता है, लेफ्ट का है, उसका लिखा हुआ इसको जाहिर करता है, और कुछ लोग उसको लेफ्ट के कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने की वो सारा जो फेसबुक के ऊपर पहला आरोप लगने के बाद में उन्होंने मोर्चा लिया था, तब भी उन्होंने बात लिख के कहीं भी कुछ लोगों ने कहा कि इसको आप छोड़िए, उन्होंने कुछ दिनों के लिए फेसबुक का खाता बंद कर दिया था। अगर उस खाते से वो पुरानी इबारतें आप निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि वो लोग जो समाज में लेफ्ट के ठेकेदार बने बैठे हैं वो उनके ऊपर हमले कर रहे थे। ये चीज़ दुख देती है, परेशान करती है। जब दक्षिणपंथी ताकतों से लड़ने के लिए लोग नारे लगाते हैं, इकट्ठा होने की बात करते हैं, उनसे जूझने की बात करते हैं, अचानक एक आरोप के ऊपर अपने लोग उठ खड़े हों तो उस आदमी पर क्या गुजरेंगे? एक तो पहलू ये है, और दूसरा पहलू मीडिया का है। मीडिया में बहुत मामूली, यानी मीडिया कई बार बहुत तरह की बेवकूफियाँ करता है, लेकिन इसमें तो आप देखिए कि दो चैनल, जितनी मुझे जानकारी है दो चैनल हैं, लेकिन मीडिया का दूसरा जो अंग है जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा अनर्थ सोशल मीडिया पर हुआ है, टीवी पर हुआ, और टीवी का जैसा असर है, और ख़ासकर हमारे अनपढ़ समाज में। अनपढ़ समाज में इसलिए कहता हूँ कि अखबार पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, टीवी देखने के लिए नहीं। टीवी की बात बहुत जल्दी पहुँचती है, पढ़े लिखे लोगों तक भी पहुँचती है, अनपढ़ लोगों तक भी पहुँचती है, और आप बदनाम हो जाते हैं। वो जो चीज़ है सोशल मीडिया की, वो झेल गए थे, अदालत में भी गए थे, लेकिन जब टीवी पे आने लगा और वो मुकदमा जो कभी कथित आहत की तरफ से कभी दर्ज नहीं हुआ, वो मुकदमा दर्ज होने के बाद में आने वाली शक्ल क्या होती है मीडिया की, इसका अंदाज़ा वो लगा चुके थे। यानी उनको एक तरीके से घेर लिया गया, वो आरोप जिसके बारे में सच्चाई कोई नहीं जानता, तो कौन जान सकता है सिर्फ एक आरोप के साथ। मैंने एक टीवी कार्यक्रम की बहस में कहा था कि देखिए आप लोग, हम लोग जो खुर्शीद अनवर
के साथ हैं और कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, शिकायत हुई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सबूत की बात आई तो कहा गया कि सबूत जो है वो दो दिए गए हैं अनजाने, शिकायत दर्ज नहीं हुई, मेडिकल नहीं हुआ। और आज की तारीख में लोग चीज़ों को जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों से तो उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी शरीफ आदमी को, या आपकी नज़रों में अगर वो शरीफ नहीं है, आप सही फोरम तक जाइए और एक तार्किक परिणति लॉजिकल अंजाम जो है उस तक आप अपनी शिकायत को पहुंचा सकते हैं। और वो लड़की जो खुद संघर्ष करती रही है वो सड़कों पर, उसे ही उम्मीद करते थे। मेरी उससे कोई पहचान नहीं है, अगर उसके साथ में कुछ हुआ है, मैंने टीवी कार्यक्रम में कहा था हमारी सहानुभूति उसके साथ है, अगर बलात्कार हुआ है, मैं खुर्शीद अनवर के साथ नहीं, मैं बलात्कार जिसके साथ हुआ हमारी सहानुभूति उसके साथ है, लेकिन बलात्कार हुआ हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता है, आपने इस जांच की कोई संभावना ही नहीं छोड़ी। और उस दौर में आकर के जब चीज़ें उस अंजाम तक पहुंचना आसान नहीं रह गई थी, आपने वो चीज़ें उन लोगों के हाथ में दे दी जो उसका इस्तेमाल बंदर की तरह नहीं, क्योंकि बंदर तो आप कहते हैं कि अपना अपनी नाक काटेगा, अफसर, आपने उस आदमी के हाथ में वो हथियार दे दिया जिस पर वो दूसरों की गर्दन काटेगा, दूसरों की नाक काटेगा, दूसरों की इज्जत को हलाल करेगा। और जो भी जिक्र किया कि उनकी जो बातचीत थी वो टीवी पर नहीं दिखाई गई, मेरा कहना है कि कोई अगर इस सारे वाक्य को सही मायने में समझना चाहता है, जांच करता है, तो वो पूरा टेप, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पूरी बातचीत में उन्होंने क्या कहा था। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मैं टीवी पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और आप देखिए बेवजह आप कहते हैं पीड़ित के साथ ऐसा हुआ है, मैं भी पीड़ित हूँ, तो आप मैं भी पीड़ित हूँ इतना दिखा देते हैं, बाकी आपको जो उसने कहा नहीं दिखाते हैं, ये पूरा टेप सामने आए कि वास्तव में पूरी बात पत्रकार के साथ में अरुण खुर्शीद साहब ने क्या की थी। दूसरा, जो पूरा टेप कार्यक्रम का है तो कार्यक्रम संपादित होकर एडिट होकर सामने आता है, वो भी सामने आना चाहिए जांच करते हुए सब ये चीज़ें। ये जो पहलू है टीवी के मामले में, अगर आप जांच की मांग करते हैं, मैं कहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं वो कब्जे में ली जानी चाहिए, अनएडिटेड वर्जन हर पहलू का सामने आना चाहिए। हो सकता है कि आपको कई चीज़ें उसमें मिले और पता चले कि चीज़ें इस ढंग से परोसी गई, इस ढंग से रखी गई कि उससे एक खास किस्म का इशारा होता था, जो कि हम जानते हैं कि होता है और इसी ढंग से किया जाता है। जिस तरह से ललकार ललकार के कार्यक्रम पेश किया जाता है, जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और जितने नाटकीय अंदाज में मान के किसी व्यक्ति को कि वो अपराधी है, वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है, और उस अंदाज में लोगों के सामने आप किसी को पेंट करते हैं, वो आप एक अपराधी काम कर रहे हैं। सामने वाला अपराधी है या नहीं ये तो बाद में साबित होगा, लेकिन जिस ढंग से आप ऐसे कार्यक्रम पेश करते हैं, ये मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि किसी अपराध से कम नहीं। और अगर ऐसे किसी कार्यक्रम से अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी के लिए मजबूर हुआ हो, इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। वो बलात्कार से, बलात्कार के आरोप से, बलात्कार की बात करने वाले लोगों से नहीं परेशान है, जितना कि उस बदनामी से परेशान है जो आपने उसके गले में फांसी के फंदे की तरह पहना किया। और कितने फंदे अब और पहनाए जाएंगे इसका अंदाज कोई भी उस कार्यक्रम को देख के लगा सकता था, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि अब हम इसको उस अंजाम तक ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं वगैरह। तो आप कौन सा अंजाम आप तय कर लिया अभी से? ये सारी भाषा जो है ये बताती है कि एक पूर्वग्रह के साथ में चीज़ें रखी गई। और टीवी के साथ में ये है कि टीवी खबर के बजाय एक परफॉर्मेंस बनता चला जा रहा है, और इसलिए अकारण नहीं है कि हत्या बलात्कार की खबरें जो सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं उनको पेश करने के लिए एनएसजी का ग्रेजुएट हायर किया जाता है। हम सब जानते हैं कि सनसनी कार्यक्रम पत्रकार पेश नहीं करता है, वो एक एनएसजी का ग्रेजुएट पेश करता है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार ढंग से, क्योंकि हत्या भी आपके लिए मज़ेदार है, बलात्कार भी आपके लिए जो है वो घृणा की चीज़ नहीं है, वो एक सनसनी की चीज़ है।
नाम ही कार्यक्रम का वैसा रखते हैं। तो ऐसे में जो टीवी का कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम की जांच हो, उस कार्यक्रम का निश्चय ही उनके मानस पर बहुत असर पड़ा होगा। लेकिन जिस चीज़ के बारे में कम लोग जानते हैं, ये फेसबुक का, मैं फेसबुक पे एक्टिव हूँ और करीब से जानता हूँ, अगर मैं कहूँगा तो लोगों को ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये ज़्यादातर निकम्मे लोगों का काम है और ज़्यादातर इस पर जो लोग आते हैं, कई बार लगता है कि किस तरीके से आप इससे पीछा छुड़ाएं, कई बार आपको लगता है कि सार्थक बात होती है, आप एक बहस चलाते हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा समुदाय दूर दराज का जिसको आप जानते नहीं वो आपकी उस बहस में शिरकत कर रहा है, लेकिन आप जब दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, या कई बार अपनी लिखी चीज़ों पर आप जब प्रतिक्रिया देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो जिनके पास, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है और उनके पास कंप्यूटर है, अब कोई कंप्यूटर आपको लिखना पढ़ना नहीं सिखा सकता, कोई कंप्यूटर आपको दिमाग नहीं दे सकता। मेरी दादी कहती थी कि अकल है बाजार में नहीं मिलती है, आप लाख रुपए का कंप्यूटर खरीद सकते हैं तो अकल तो 5 पैसे की भी आपको उससे अर्जित नहीं होगी। और ऐसे लोग जो हैं उन लोगों ने जब आरोप उन पर लगा और उस आरोप को मेरी पूर्व मित्र मधु किश्वर, पूर्व इसलिए कहता हूँ कब उन्होंने दोस्ती तोड़ दी ऐसा मुझको लगता है, उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया। कोई महिला पुलिस थाने नहीं गई, उनके पास गई तो उनको अपने घर में थाने लगाने का अधिकार किसने दिया, अपने घर पे कचहरी लगाने का अधिकार किसने दिया, और उन्होंने 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग की और उन्होंने ये कहा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि मेरी हैबिट है। कैसी कैसी हैबिट लोग पाल लेते हैं, आपकी हैबिट है 1.5 घंटे की आपने रिकॉर्डिंग की, आप उस औरत की शक्ल दिखा रहे हैं जो कानूनन जुर्म है, आपको कानून पता नहीं, आपने उसकी रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की और उसमें आपका सारा रवैया, क्योंकि हम देखिए कितने दावे के साथ बात कर रहे हैं कि उनका रवैया क्या है, क्योंकि सीडी लोगों ने देखी है, सीडी बनेगी तो लोग देखेंगे, ये तो बनाते वक्त ही सोचना चाहिए, और आपने उसमें चेहरा दिखाया और कोई अब उनका अंदाज देखे, उनका रवैया देखे, उसमें बात करते हुए दूसरी लड़की कहती है कि मुझको कहा गया कि रुक जाइए, तो अच्छा तुम तो बाल बाल बच गई, आप कैसे अंदाज लगाते हैं। कोई शायद इसलिए भी कह सकता है कि 2 लड़कियां हो जाएंगी, अनजान लड़की घर पर है, 2 लड़कियां होंगी ठीक होगा, आप दूसरा पहलू नहीं देखना चाहते हैं, आप पहले से नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि जरूर दूसरी लड़की को भी जैसे कोई आदमी यही काम करता है। और उसके बाद एक जगह और जो है उसमें रिटर्न गिफ्ट शब्द का इस्तेमाल, इतनी शर्म की बात है, आप पहले से आप तय कर चुके हैं इस शब्दावली में आप बात करते हैं, आपकी मानसिकता जाहिर करती है कि आप बहुत संवेदनशील लोग की बात नहीं करते, स्त्री पुरुष की बात ही नहीं। और वो सीडी बनी, उनका कहना है कि वो सीडी तो मैंने लड़की को सौंप दी थी, लेकिन लड़की तो अपनी बदनामी, अपना चेहरा दिखाने के लिए किसी को सीडी नहीं दी, लड़की को भी अगर दी। मेरा कहना यह है कि हम आपकी बात कैसे मान लें कि आप जो कह रही हैं वो ठीक है, पहली बात कि आपने उन्हीं को दी, दूसरी बात वो सीडी आपने दे दी पर क्या आपके पास उस सीडी का कोई भी रूप जो है वो था वो नष्ट हो चुका था, क्या उसकी कॉपी आपके पास नहीं थी, क्या आपके टेक्नीशियन के पास नहीं थी, क्या आपने उसको किसी लॉकर में रखा था, किसी बैंक में आपने रख दिया था, कोई उससे हाथ में पहुंचा सके। जब चीज़ इस ढंग से आ जाती है आपने गुनाह वही कर दिया, क्योंकि अगर आपने सीडी बना दी वो सीडी कहीं भी जा सकती है, और अगर किसी एक के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि उसने लीक किए तो दूसरे पर भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई भी बरी नहीं है, हर व्यक्ति संदेह के घेरे में है और सबसे पहले संदेह की उंगली उसी पर उठती है जिसने उस सीडी बनाने का फैसला किया, कि जानते हुए कि लड़की का चेहरा दिखाते हुए सीडी नहीं बनाई जा सकती। इस बात को एक कार्यक्रम में मधु किश्वर के साथ में बात हुई और बेवजह उत्तेजना में बात हुई, क्योंकि वो हमेशा उत्तेजित रहती है। मेरा मानना यह है कि कोई अगर अपना आपा खोता है उसमें जरूर अपराध बोध है, उनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने लगभग आपा खो दिया था और जो बातें उन्होंने कही उसमें कोई संगति मुझे नज़र नहीं आती। उनको मैंने फिर याद दिलाया कि उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका अनुवाद मैंने अपने अखबार में छापा था, ये जनवरी की बात है, इस साल की 8 जनवरी की। अब जब वो
एक दलील मैंने रखी, उसके बाद मैं दो रोज के लिए बाहर चला गया, तो मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने कई लोगों को मेल भेजकर कहा है कि ओम थानवी जो है मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने तो मेरा लेख छापा था, खुद वो जो अंग्रेजी में था उसको हिंदी में छापा था। अब बताइए कि एक लेख छापने का मतलब उस लेख में दी गई सारी बातों से संपादक सहमत होगा, ऐसी मूर्खता की बात मैंने कभी अपने करियर में नहीं सुनी। आपका लेख छपा, आपके लेख का जो मूल बेसिक आइडिया था वो ये था कि जो कानून बना है, मतलब तो ये कानून रिवाइज भी नहीं हुआ था, तो जो कानून बनने जा रहा है जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तो कानून जो है वो कानून अपने आप में पेचीदा है, ये कानून अपने आप में जो है वो किसी का भला नहीं करेगा, उन्होंने कानून के ऊपर संदेह जाहिर किया। तो इस बात से अपने अखबार में मधु किशोर जैसी संपादिका अगर लिखती है तो मैं साझा करना चाहता था, उसे मैंने कहा हम इसका अनुवाद छाप सकते हैं, हमने उसका अनुवाद छापा। लेकिन जिस बात को मैंने कहा वो बात उस दिन ये थी कि उस लेख में उन्होंने ये कहा था कि मेरे भाई पर बलात्कार का आरोप लगा कि किसी दूसरे पुरुष ने लगाया, और पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची, वो मामला FIR के रूप में दर्ज हुआ कि रोजनामचे में दर्ज हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ केस रोजनामचे में भी होता है तो केस कहलाता है, फिर पहुंच जाती है पुलिस, उसके बाद जो है जहाँ तक अंजाम तक पहुँचता है तो FIR होती, कई बार पहले नहीं भी होती, इसकी मुझे ठीक से पता नहीं, न उसे जाहिर होता है, लेकिन ये उसे पता चलता है कि उनके भाई को पकड़ने पुलिस गई। आप चूंकि पत्रकार हैं, संपादक हैं, रसूख वाली हैं, आपका दबदबा है और बोलने में भी किसी को दबा सकती है, एक बार तो आपकी ताकत है, इन्होंने पुलिस वालों से बात की और उसके बाद खुद गई और उसके बाद थाने गई और उसके बाद में 15,000 रुपया मांगा गया, 10,000 रुपया दे करके इन्होंने अपने भाई को छुड़वा लिया, भाई गिरफ्तार नहीं हुए और वो केस भी जो है वो नहीं चला, तो केस चलता तो गिरफ्तारी पक्की थी, अब तक चला होता। आपने कहने का मतलब वो केस जो है वो रफा दफा करवा दिया। अब आपका कहना है कि इस बात की मैंने पुलिस को बड़े अफसरों को शिकायत की, ये कैसी शिकायत हुई? आपका विश्वास अगर कानून में है ही नहीं, आप वहाँ पे जाके 10,000 रुपये में छुड़वा के लाती हैं और दलील ये देती है कि मेरा भाई इनोसेंट है, मैं जानती हूँ, आप भी कहती है कि मेरा भाई अगर गिरफ्तार हो जाता जैसा कानून बना है उसकी नौकरी पक्की चली जाती उसी रोज। तो भाई आपको किसी की नौकरी जाने की परवाह, किसी की जान जाने की परवाह नहीं कि आप किसी आरोप को हवा दें, सही जगह तक न पहुंचाएं जहां पे वो सचमुच लॉजिकल एंड तक पहुंच सके और किसी की जान चली जाए, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, लेकिन एक भाई की उच्ची नौकरी की परवाह आपको जरूर है। लेकिन आपने अपने भाई को छुड़वाया, मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि क्या ये बेनिफिट आप दूसरे लोगों को भी देंगी, बलात्कार का आरोप जिन पर लगाया गया उनको आप नहीं दे रही हैं, उनको आप सिर्फ एक किसी के पास आने पर आप उसको अपराधी मान करके उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको आप ये जानते हुए कि इसका प्रचार बाद में होगा, वो व्यक्ति बदनाम होगा और जब तक वो साबित नहीं होता तब तक वो इसका अधिकारी नहीं। मैं इस मामले में बहुत साफ हूँ, लड़की लड़के का मामला इसमें नहीं है, पीड़ित कोई भी हो सकता है, इसमें तो उनका भाई था, उधर वो जो था वो भी लड़का था, तो पीड़ित पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, स्त्री पुरुष का मामला जो है ये हर बार नहीं चल सकता। अगर कोई व्यक्ति आप ये कानून जिसमें आप कहते हैं लड़की का चेहरा नहीं जाहिर होना चाहिए और लड़के का सब कुछ जाहिर होना चाहिए, लड़के का नहीं पुरुष का, ये कौन सा तर्क हुआ? उसको कितना भी बदनाम कर दीजिए, तस्वीर आप टीवी का कार्यक्रम देखिए, अपराधी की तरह आप रख रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये कानून जो है वो उस पर भी बहस होनी चाहिए। पहलू जो है इसमें तीसरा ये भी जुड़ता है कि आप सोशल मीडिया, उसके अलावा लेफ्ट के लोग जो इस तरह की भूमिका निभाते हैं, जिसका मैंने आपको इशारा किया, इशारा इसलिए किया कि जिन लोगों ने इसकी पहल की, एक व्यक्ति को तो मैं करीब से जानता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि मुझसे भी एक बार उलझ चुका था, वही व्यक्ति है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने उनको परेशान किया। ये सोशल मीडिया विजुअल मीडिया का तो अंश हमने देखा है, सोशल मीडिया में इस तरह की बीमारी भरी पड़ी है और उससे कैसे टैकल किया जाए उसको देखिए। कानून की बात जो है ये तीसरा पहलू वो भी जुड़ता है, क्योंकि बाकी कानून अपना काम करेगा, हम कहते हैं वो जब भी करेगा, कितना करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन ये तीन पहलू ऐसे हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मेरा किसी के प्रति कोई बैर नहीं है,
किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन दिल से मैं ये सोचता हूँ कि ये मामला इतना उलझा है और लोग ये जो दलील देते हैं कि जब और भी तो केस हुए हैं और भी, तब आप नहीं बोले, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कि कानून के हम खिलाफ नहीं, अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो कानून अपना काम करे, लेकिन जिन लोगों ने कानून को अपना काम नहीं करने दिया और उसकी वजह से एक व्यक्ति आत्महत्या के लिए विवश हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे अहम सवाल है। और वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई स्थिति में नहीं है, उनके चेहरे साफ हैं, उनके चेहरों पर कोई नकाब नहीं।